अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए KFC में मिलने वाली एक रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है चिकन पॉपकॉर्न। ये है चिकन 500 ग्राम। चिकन बोनलेस लीजिए, चिकन का जो ब्रेस्ट पीस आता है वो लीजिए, उसमें से ऐसे क्यूब्स, ऐसे पीसेस कट कर लीजिए। जितने छोटे पीसेस रहेंगे वो उतना ही डिलीशियस बनेगा हमारा पॉपकॉर्न, चिकन पॉपकॉर्न, और अंदर से भी अच्छे से पक जाएगा ये। आइए इसमें डालते हैं 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून नमक, 2 स्पून दही। मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लें इसको। इसे मिक्स करने के बाद 1 आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगी आप सबको। देखिए ये हो गया है मिक्स। ऐसे मिक्स करना। देखिए चिकन हो गया है मैरिनेट। इसको मैरिनेट करके 1 आवर हो गया है। अब इसको हमें फ्राई करना है, तो इसको कैसे फ्राई करना है और इसके ऊपर क्या क्या टॉपिंग जाएंगी, आइए वो देखते हैं। ये है कॉर्नफ्लोर 2 स्पून, ये है ऑल पर्पज़ फ्लोर 2 स्पून, ये है ब्रेड क्रम्स 2 स्पून, ये है ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 स्पून, 1/2 स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 स्पून पेपरिका, 1/2 स्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 स्पून सॉल्ट, 1/2 स्पून ओरिगैनो, 1/2 स्पून नॉर्मल लाल मिर्च। आइए ये सबको एक जगह करेंगे हम लोग। लाल मिर्च, ओरिगैनो, नमक, गार्लिक पाउडर, पेपरिका, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, इन सभी को कर लेंगे मिक्स। आप चाहे तो स्पून से कीजिए या हाथ से कीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये सबको। नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। देखिए ये हो गया है मिक्स, सभी इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हमारे अच्छे से। आइए चिकन को कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स और सबसे। एक एक डाल लें। आप चाहे तो हाथ से कीजिए या फोक या स्पून से। ऐसे एक एक पीस लीजिए, उसको कोटिंग कीजिए ऐसे। लीजिए हमारे पॉपकॉर्न का चिकन रेडी हो गया फ्राई करने के लिए। इसके ऊपर कोटिंग अच्छे से लग गई है। आप लोग भी ऐसे ही लगाइए इसको। ये डिश को ज़रूर ट्राई कीजिए घर पर, काफ़ी आसानी से बन जाती है ये। ले लेंगे पैन, उसमें डालेंगे 200 ग्राम तेल। इसे डीप फ्राई करना है हमें। ऑयल हो गया है गरम, अभी डालेंगे पॉपकॉर्न हमारे। 1 by 1 डालिए। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। देखिए फ्लेम को हाई मत रखिए, मीडियम टू लो। हल्के से इसको फ्राई होने देंगे और इसको टर्न नहीं करेंगे हम लोग, इसको ऐसे ही फ्राई होने देंगे। ये थोड़ा होने के बाद टर्न करेंगे, अदरवाइज जो कोटिंग है हमारी अगर हम लोग हिलाएंगे तो वो निकल जाएगी सारी। होने दे 2 मिनट इसको। 2 मिनट हो गए हैं, इसको हम लोग टर्न करेंगे आहिस्ता से।
बस इसको फ्राई होने देंगे। अभी ये गोल्डन होने के बाद इसको फिर से टर्न करेंगे। आइए इसको टर्न करेंगे। हल्के से टर्न करें इसको। लीजिए हमारे पॉपकॉर्न हो गए रेडी। देखिए ये हो गए गोल्डन ब्राउन। देखिए डिश आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी या व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।